आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर दिल से. एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज गिव अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू टूडेज फैकल्टी ऑन दिस सब्जेक्ट मास्टरिंग थीटा क्यूरिंग. आई रिक्वेस्ट ऑल यू टू प्लीज गिव अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू उजाला जी. उजाला जी आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के. थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. जो भी आपने अभी कहा मतलब इट्स मींस अ लॉट टू मी एंड थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग ऑल ऑफ अस लाइक एज फैकल्टी. And because we are not only teaching the courses, because when you are teaching, you are learning more. So it is both side, you know, opportunity. I am learning also and I am teaching also. Because जब हम teach करते हैं ना तो हमको उससे ज्यादा जानना होता है. Because कोई भी question हो सकता है, कोई भी problem आ सकती है, तो उसकी practice बहुत जरूरी है, उसकी learning जरूरी है आप class में आने से पहले. तो मुझे तो ऐसा लगता है जैसे I am learning more than teaching. So, एक question है आप सब लोगों से. आप लोग एक answer मुझे yes or no में चाहिए. क्या आपको ऐसी कोई modality या ऐसी कोई तरीका पता है जिससे आप future ailments को पता कर पाए, आज ही आपको पता हो और आप बोल सको कि अच्छा मैं मुझे बुढ़ापे में ये बीमारी हो सकती थी, और ऐसा कोई तरीका पता है कि जिससे आप उसको रोक पाए कि वो नहीं हो, पता है किसी को ऐसा कुछ? नमस्कार मैम. नमस्ते सर. सर मैं तो थीटा हीलिंग जब से आपसे सीखा है तो इसके रिजल्ट तो मैंने क्लास में भी दिए थे, और अगर आप अलाउ करोगे तो मैं उसके बाद भी जो केसेस हैं वो भी मैं सुना दूंगा. हमारी क्लास में ही मेरे क्लासमेट ही हैं जिन्होंने थीटा हीलिंग अपने लिए करवाई थी, तो वो खुद बोलेंगे तो ज्यादा बढ़िया है इसके बारे में. तो मैं तो ये बोल सकता हूँ कि मैं 22 साल से रेकी से हीलिंग कर रहा था लोगों की, लेकिन थीटा हीलिंग का जो एनर्जी मैंने सीखी है और उसको यूज किया है उसके रिजल्ट तो 1000 टाइम्स बेटर मिले हैं मेरे को. और मैं यही एक मॉडलिटी है, मैंने जितनी भी आज तक मॉडलिटी सीखी है जिससे जैसे आपने सिखाया हमें क्लास में भी कि हम पहले ही अपनी एनर्जी उस बीमारी को चेक कर सकते हैं विदाउट स्कैनिंग, विदाउट किसी भी डॉक्टर के पास जाए, चेक किए, टेस्ट करवाए, हमारी वो क्या बोलते हैं किसी भी तरह का टेस्ट के बगैर ही हम, आपने सिखाया था हमें, और वो जो चीजें आपने हमें सिखाई और क्लास में हमें जो आपने उसके जो प्रैक्टिकल दिए थे वो बिल्कुल स्टीक बैठे थे. हमने आपने जो गाइडेंस दी हमने उस हिसाब से जिस भी अपने पार्ट स्पेंट की जो बीमारी हमने स्कैन की एग्जैक्टली उसने वही बोली की है. जबकि डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो कम से कम 10-12-15 हज़ार के टेस्ट होंगे और उसमें कुछ आता नहीं है. सही बात. बाकी बहुत हीलिंग तो मैंने की है जो मैंने टेस्ट पहले भी डाले थे और उसके बाद में भी 2-3 ऐसी मॉडलिटीज लोगों से मैंने की है. अभी एक